मैं एलआर बुडानिया, 12 जनवरी 2020 दोपहर को 12:30 का टाइम है। चंडीगढ़ रॉक गार्डन जो यहाँ का एक लैंडमार्क टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ जो पार्किंग है उसके पेड़ों का जो हाल है ये मैं दिखा रहा हूँ। 2 दिन पहले माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि किसी पेड़ के पास भी कम से कम 2-2 मीटर का स्पेस होना चाहिए, जिससे कोई पेड़ पानी न जाने की वजह से, नई जड़ें न फैलने की वजह से बेमौत ना मरे। और यहाँ से हाई कोर्ट सिर्फ 100 कदम दूर है। चंडीगढ़ प्रशासन की आप हिम्मत देख सकते हैं कि माननीय हाई कोर्ट और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर, उसके भी यही ऑर्डर हैं कि 6x6 फीट का स्पेस हर पेड़ के पास होना चाहिए पानी जाने के लिए, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इनको नहीं मानता। मैं सिर्फ एक पेड़ का आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। सब पेड़ों के पास यही हाल है। पहले भी मैंने कई बार आवाज़ उठाई है इसकी, और ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पेड़ मरना शुरू हो गया है। ऊपर से देखो, सूखना शुरू हो गया है। और हरा पेड़ काटने के लिए FIR होती है, तो इस पेड़ को गला घोट के मारने के लिए भी जो अफसर उसके लिए जिम्मेदार है, कितना मोटा RCC किया गया है, जिसे जड़ों को फैलने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा क्राइम है और पर्यावरण के लिए बड़ा भारी नुकसान है। इतना बड़ा पेड़ करने में हमें सालों साल लग जाते हैं। एक अगर FIR हो जाएगी इस जिम्मेदार अफसर के खिलाफ, तो कम से कम ट्राई सिटी में ऐसा कोई दोबारा अपराध करने का हिम्मत कोई अफसर नहीं कर पाएगा, जो हमारे लिए, ज़िंदगी के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अथॉरिटी है तुरंत उचित एक्शन ले।